नमस्कार दोस्तों, घमासान.com में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एग्जिट पोल के सबसे तेज नतीजे। इसमें हम आपको बताएंगे लोकसभा की कुल सीटों में से कांग्रेस को कितनी मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी को कितनी और अन्य दलों को कितनी सीटें मिल रही है। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि अलग अलग राज्यों में किसको कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आप देखते रहिए नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी और इसके साथ ही अन्य राज्यों के तमाम नेताओं की राज्यों की स्थितियां। अभी तक जो सर्वे सामने आए हैं उनके अनुसार रिपब्लिक सी वोटर द्वारा भारतीय जनता पार्टी को 305 सीटें दी गई हैं, 124 सीटें कांग्रेस को और 113 अन्य दलों को दी गई है। इसी तरह टाइम्स नाउ द्वारा 306 सीटें दी गई है भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को 142 और अन्य दलों को 94। रिपब्लिक और न्यू नेशन भी करीब करीब समान चल रहे हैं, 287 सीटें दी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, 128 कांग्रेस को और 127 अन्य दलों को। इस तरह से देखने वाली बात यह है कि ऑल इंडिया में कुल 542 सीटों में से 300 सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में बताई जा रही है, कांग्रेस को 127 सीटें और अन्य दलों को 115 सीटें बताई जा रही है। इसी तरह से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें दी जा रही हैं, कांग्रेस को 4 और अन्य दलों को 0। इसी तरह दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें, कांग्रेस को कुछ भी नहीं, आप पार्टी को कुछ भी नहीं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को 7 से 8 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें। हरियाणा में 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, अन्य दलों को कुछ भी नहीं। इस प्रकार अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं वे बेहद चौंकाने वाले हैं और बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत की ओर अग्रसर है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।